हे नमस्कार दोस्तों, मैं अमनितिन और आप देख रहे हैं नितिन संखवार यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप? तो दोस्तों जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से कैसे एक AVI शाइनी लोगो बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ब्यूटीफुल लोगो होने वाला है जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। सो गाइज लेट्स स्टार्ट इट। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसी तरह के न्यू अपडेट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो लोगो बनाने के लिए पिक्सेल ऐप को ओपन करना होगा, और ये आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं अपना पिक्सेल ऐप ओपन कर लेता हूँ। तो जब दोस्तों आप पिक्सेल ऐप को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का डिफ़ॉल्ट इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो न्यू टेक्स्ट है इसे डिलीट कर देना है, और यहाँ पर जाना है और जो आपका इमेज साइज़ है उसको चेंज करके प्रोफाइल पिक्चर स्क्वायर पर कर देना है, और इसे 1500 कर देना है, और इसे भी 1500 कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा कि आपके लोगो को इंपोर्ट करना होगा, जो कि आपका लोगो PNG फाइल पर होना चाहिए, ठीक है, और वाइट कलर का होना चाहिए। तो अगर आप नहीं जानते हैं आपके लोगो को PNG कैसे बनाया जाता है, तो मैं आपको इसके लिए अलग से एक ट्यूटोरियल दे दूंगा, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर अपना PNG लोगो इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैंने पहले से ही बना रखा है अपना PNG लोगो। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा लोगो है और हम इसे इंपोर्ट कर चुके हैं। तो आप चाहें तो कोई लेटर भी ले सकते हैं, ABCD। तो लेकिन दोस्तों अगर आप लेटर लेंगे तो आपको लेटर जो होना चाहिए वो कुछ सॉलिड तरह का होना चाहिए, कोई अच्छा सा फॉन्ट होना चाहिए। तो मैं आपको अभी कुछ फॉन्ट्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उनमें से कोई एक लेटर चूज़ करके भी अपना लोगो बना सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर अपना ऑफिशियल लोगो ही लिया है। अब दोस्तों हमें क्या करना होगा, इस लोगो को हमें 3D बनाना होगा। तो 3D बनाने के लिए यहाँ पर 3D शेप पर गए, इनेबल किया, और यहाँ पर इसकी डेप्थ 10 ही रहने देते हैं, और डार्केन भी 30, ठीक है। थोड़ा रोटेशनल इसका चेंज करते हैं, रोटेशनल इसका कर देते हैं, मैं इसका 20 कर देता हूँ, और जो वाई रोटेशनल है इसको भी मैं 20 ही कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी अच्छा लग रहा है, इस पर जो शैडो और इस पर जो इफ़ेक्ट आएगा बहुत ही अच्छा आएगा अगर हम इतना रखते हैं। तो इसे हम सेंटर पर लाकर इतना, ठीक है, ओके कर देते हैं। और उसके बाद जो बैकग्राउंड है उसको ट्रांसपेरेंट कर देना है, और इस लोगो का जो कलर है वो हमें डार्क कर देना है। कोई भी डार्क कलर आप ले सकते हैं, तो मैं सिंपल ब्लैक कलर ही डार्क लूँगा, ज़्यादा डार्क भी नहीं लेना है, लगभग इतना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इतना ले लिया है, और इसे सेव कर देना है। सेव करने के बाद दोस्तों हमें इस लोगो को काटना नहीं है, पिक्सेल ऐप को बैक नहीं करना है, सिंपल इसी लोगो पर फिर से क्लिक करना है, और इसका कलर इस बार वाइट कर देना है, और जो इसकी 3D है, 3D जो शेप आया हुआ है उसको हम डिसेबल कर देंगे। बाकी इसका जो रोटेशनल है वो ऐसा ही रहने देंगे जैसे था, जो कि हमने X20 और Y20 किया था, तो उसको वैसे ही रहने देंगे, और इसको फिर से सेव कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे लोगो की दो डिज़ाइन आ चुकी हैं, एक 3D है, एक नॉन 3D है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा पिक्सेल ऐप का काम खत्म हो चुका है, हमें बैक चले जाना है, और एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है PS Touch, और इसे ओपन कर लेना है। दोस्तों इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इस प्लस के बटन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर हमें 1500 और यहाँ पर भी 1500 ले लेना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर एक बात ये है कि कुछ लोग कहेंगे कि मुझे PS Touch चलाना नहीं आता है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपको एक एक चीज़ इस तरह से बता रहा हूँ कि अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आप लोगो अच्छे से बना पाएंगे। तो जैसे ही हम 1500 लेकर ओके करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का कैनवास, या फिर ये कह लें बैकग्राउंड, या फिर पेज जो भी है वो ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों, कॉर्नर पर एक प्लस का बटन दिया हुआ है, हम इस पर क्लिक करना है, और एक फ़ोटो लेयर ले लेनी है। फ़ोटो लेयर दोस्तों आपको वही लेनी है जो भी आप बैकग्राउंड में रखना चाहते हो, कोई भी शाइनी सा वॉलपेपर। तो मैं आपको कुछ वॉलपेपर्स के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, मैं सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल करा दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो मेरे डाउनलोड में यहाँ पर कुछ वॉलपेपर्स पड़े हुए हैं शाइनी से, लाइक मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। और हमें इस बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग जो भी हमने अपना साइज़ ले रखा है 1500x1500, उसके अकॉर्डिंग हमें इसे एडजस्ट कर लेना है। और यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात खास याद रखनी होगी कि आपको हमेशा अपना
ये मैग्नेट टूल ऑफ ही रखना है, क्योंकि दोस्तों अगर मैग्नेट टूल ऑन रखेंगे तो आपकी जो इमेज है वो अपने आप सेटअप करने लगती है, जिससे आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो हम इसे सेट कर लिया मैंने, और हमारे में इतने में ये इमेज आ चुकी है। तो जो हमारी जो पहली लेयर ये थी, इसे हमें सिंपल डिलीट कर देना है, और उसके बाद फिर से एक फ़ोटो लेयर लेनी है। और अब हमें दोस्तों अपना वो जो पिक्सेल ऐप से 3D लोगो बनाया था उसको ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने ये बनाया था 3D लोगो, और हमें अब इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, क्योंकि दोस्तों मैंने ऑलरेडी पर इसे सेंटर पे ही बनाया था, तो इसे सेंटर पे ही रहने देंगे और इसे इसे ही सेट कर देंगे। अब फिर से एक फ़ोटो लेयर लेनी है, और हमें दूसरा जो नॉन 3D था उसको ले लेना है, इसी के ऊपर इसे भी ऐसे ही नॉर्मल सेट कर देना है। अगर दोस्तों आपका सेट नहीं हो रहा तो आप मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं, तो मेरा तो हो गया, तो मैं इसे ही ऐसे ही रहने दूंगा। अब दोस्तों जो हमारी बैकग्राउंड वाली लेयर है उसके हमें 3 डुप्लीकेट कर लेने होंगे। तो डुप्लीकेट करने के लिए क्या करना होगा, इस प्लस के बटन पर क्लिक करना है। बैकग्राउंड की लेयर को सेलेक्ट करने के बाद ही हमें प्लस के बटन पर क्लिक करना है, और इसे डुप्लीकेट लेयर का एक ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। दो बार क्लिक करना है, हमें दो लेयर चाहिए डुप्लीकेट। तो अब हमें क्या करना होगा, एक लेयर को सबसे टॉप पर ले आना है और एक लेयर को 3D लोगो के ऊपर ले आना है। अब दोस्तों हमें लेयर्स को सेटअप करने के बाद अपने 3D लोगो पर क्लिक करना है, और यहाँ पर जाना है और सेलेक्ट पिक्सल क्लिक करना है। अब जैसे ही सेलेक्ट पिक्सल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे 3D लोगो के सारे पिक्सल सेलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना होगा, इस 3D लोगो के ऊपर जो हमने एक लेयर ली थी बैकग्राउंड वाली, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जाके एक्सट्रैक्ट कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, जैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारी जो पिक थी वो हमारी लोगो में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जो हमारा ओरिजिनल 3D लोगो, इसे डिलीट कर देना है। ठीक है, सेम काम ऊपर वाली लेयर पर करना है, जो ऊपर वाला नॉन 3D लोगो है, इसके पिक्सल भी सेलेक्ट करने हैं। एक मिनट, सेलेक्ट पिक्सल और ऊपर लेयर पर जाना है और इसे भी एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, और इसे ओरिजिनल वाले को डिलीट कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा जो लोगो है वो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा अभी, तो अब हमें क्या करना होगा, जो हमारा सबसे नीचे जो बैकग्राउंड वाली लेयर थी उस पर जाना है, और यहाँ पर इस ऑप्शन पर आकर यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है ब्राइटनेस कंट्रास्ट, तो हमें इसकी ब्राइटनेस जो है कम कर देनी है। लगभग आपको ब्राइटनेस कर देनी है 85 कर देनी, मैं यहाँ पर 85 कर देता हूँ, और कॉन्ट्रास्ट जो रहेगा दोस्तों वो आपको कर देना है 10 कर दीजिए, 15 कर दीजिए, तो मैं यहाँ पर 10 कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी से जो हमारा लोगो है 3D और नॉन 3D वो दिखाई दे रहा है अलग से, लेकिन दोस्तों जो हमारा 3D नॉन 3D लोगो है वो आपस में मिक्स हो चुके हैं, तो इसे अलग दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, 3D लोगो की जो शेडो वगैरह है, जो हम कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस है, उसे हम कम कर देंगे। यहाँ पर जाना है और इसकी भी ब्राइटनेस कम कर देनी है, इतनी रखनी है कि जो हमारी बैकग्राउंड वाली लेयर है उससे ज़्यादा हो और जो टॉप वाली लेयर हो उससे कम हो। तो हम यहाँ पर 55 कर देते हैं। ठीक है, और इसकी कंट्रास्ट ठीक है, कंट्रास्ट पे कोई छेड़छाड़ नहीं करते, सॉरी एक मिनट, ठीक है 11 रहने देखते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो अभी से हमारा जो 3D और नॉन 3D लोगो है वो देखिए यहाँ पर अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो अब दोस्तों हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो हमारा 3D लोगो है इस पर क्लिक करना है, और इसके ऊपर एक एम्प्टी लेयर ले लेनी है। एम्प्टी लेयर लेने के बाद हमें 3D लोगो पर फिर से क्लिक करना है, इसके सेलेक्ट पिक्सल करने हैं और एम्प्टी लेयर पर जाना है, और इस ऑप्शन पर आकर यहाँ पर हमें इस ऑप्शन पर आकर फिल एंड स्ट्रोक पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर हमें फिल की जगह स्ट्रोक लेनी है, मैं यहाँ पर 8 ले लेता हूँ। ठीक है, 8 काफ़ी सूटेबल लग रही है। 8 लेने के बाद ओके, और अब मैं एम्प्टी लेयर पर, मैंने यहाँ पर एक स्ट्रोक बना ली है जो कि 3D लोगो की स्ट्रोक है, तो अब मैं एम्प्टी लेयर पर क्लिक करके इसके पिक्सल सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इस ऑप्शन पर जाना है आपकी बार, गशियन ब्लर 10 रहने देते हैं। ठीक है, 10 काफ़ी होगा। अब हमें फिर से इसके पिक्सल सेलेक्ट करने हैं, और इनवर्स सिलेक्शन देन क्लियर। ठीक है, तो ये देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ रहा है, और सेम काम ऊपर वाली पे भी करना है, सेलेक्ट पिक्सल एम्प्टी लेयर देन फिल एंड स्ट्रोक, स्ट्रोक हम 8 ले लेते हैं, 8 8 8 8 8 8 8 8 ओके, देन गशियन ब्लर 10 ओके है, इनवर्स सिलेक्शन क्लियर,
काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा लोगो 3D सा लग रहा है। जो हमारी 3D लोगो की स्ट्रोक थी उसके हमें दो डुप्लीकेट और करने हैं, यानी कि तीन लेयर, ठीक है। सारी लेयर्स को हमें ओवरले कर देना है, ओवरले ओवरले ओवरले, ठीक है ना। तो अभी से हमारा ये थोड़ा कटआउट सा लोगो लग रहा है, थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। सेम काम ऊपर वाली पे भी करना है, डुप्लीकेट डुप्लीकेट, इसको भी ओवरले, इसको भी ओवरले, इसको भी ओवरले, ठीक है। तो अभी से हमारा लोगो काफ़ी कूल लग रहा है यहाँ पर देखने पर, लेकिन दोस्तों अभी हमें इस पर और भी वर्क करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना होगा, जो हमारा सबसे ऊपर वाली जो लेयर थी, जो नॉन 3D लोगो था, उस पर क्लिक करना है और उसकी भी तीन लेयर बनानी है। एक दो तीन तो यहाँ पर बन चुकी है दोस्तों, दो पहले से, मतलब एक पहले से ही थी, क्या बोल रहा हूँ मैं, एक पहले से ही थी और दो हमने अदर बना ली। तो अब हमें क्या करना होगा, सारी लेयर्स को ओवरले कर देना है, जो हमारी नॉन 3D थी उसको ओवरले कर देना है, ओवरले ओवरले। अभी दोस्तों यहाँ पर हमें थोड़ा लोगो ख़राब लग रहा है, लेकिन मैं अभी इसे ठीक कर दूँगा। अब हमें बीच वाली नॉन 3D लेयर पर क्लिक करना है और इफेक्ट पर जाना है, डायरेक्शनल ब्लर पर जाना है, फुल कर देना है, फिर से जाना है, फिर से डायरेक्शनल ब्लर, फुल तो पहले से ही है, और फिर से ओके कर देना है। अब हमें जाना है गॉसियन ब्लर पर, फुल कर देना है, ओके कर देना है। अब दोस्तों क्या करना होगा, जो हमारी बीच वाली लेयर है इसी पर सारा लोगो डिपेंड करता है, तो इस लेयर को हमें क्या करना होगा, ओवरले से हटाकर लीनियर डॉट्स पर क्लिक करना होगा। भाई साहब अब हमारा लोगो थोड़ा चमकदार शाइनी लग रहा है। तो अब भी आपको अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो आप इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। सारा कुछ कलर जो भी होगा वो इसी लेयर पर डिपेंड करेगा। तो अभी हमारा दोस्तों लोगो काफ़ी ज़्यादा ब्लाइंड हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा, तो हमें क्या करना होगा, टॉप वाली लेयर पर जाना है जो नॉन 3D है, उसको ओवरले से हटाकर अगर हम लीनियर डॉट्स कर दें, नहीं स्क्रीन, नहीं लाइटन, नहीं मल्टीप्लाई, नहीं डार्केन, हाँ ये थोड़ा ठीक लग रहा है डार्केन, तो अभी तो ये अच्छा लग रहा है, ठीक है ना दोस्तों, काफ़ी कूल लग रहा है। अब हमें जाना है बीच वाली लेयर पर और इसका जो कलर जो होगा वो हम चेंज करेंगे अपने लोगों के हिसाब से। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कलर बैलेंस पर जाना है। अब देखते हैं दोस्तों कलर कैसा सूट करेगा लोगों पर, थोड़ा रेड सा हो गया, ग्रीन हो गया पूरा है, तो चलो कोई नहीं, हमें जो पसंद आएगा हम वो लगा लेंगे। आप भी इसी के हिसाब से, कलर डिपेंड करता है, जो भी आप इस बीच वाली लेयर का जो कलर करेंगे उसी टाइप का लोगो बनेगा, ठीक है ना, बहुत ही कूल लोगो बनेगा दोस्तों, वाव। तो अभी के लिए दोस्तों हमारा जो लोगो है वो इस टाइप का काफ़ी अच्छा लग रहा है, हाँ मैं ये कलर रखता हूँ, ठीक है, आप कलर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना होगा कि जो हमारा लोगो दोस्तों वो हमारा स्काई ब्लू और रेड पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, सबसे टॉप पर जाना है और एक एम्प्टी लेयर लेनी है, और एम्प्टी लेयर लेने के बाद इस ऑप्शन पर जाना है यहाँ पर और ग्रेडियंट पर क्लिक करना है, और ग्रेडियंट हमको ये वाला ले लेना है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इसका कलर हम चेंज करते हैं, कलर हमारा ब्लू रखें, नहीं जो हमारा लोगो उसी कलर का रखते हैं, ठीक है, या फिर रेड कर दें, रेड भी अच्छा लगेगा क्योंकि हमारे लोगो में रेड भी है थोड़ा सा। तो एक काम करते हैं, रेड ले लेते हैं, ठीक है, डार्क रेड लेते हैं, बहुत सारा डार्क, बिल्कुल डार्क हो जाएगा, और इसकी ओपेसिटी ज़्यादा होगी, नहीं थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इसको कम करते हैं, ठीक है ना, वाह थोड़ा ब्लडी सा लग रहा है, एक मिनट इसको चेंज करते हैं यार, इतना ठीक है, इतना कूल लग रहा है लोगो कलर थोड़ा, हाँ इतना अच्छा लग रहा है, नहीं। और इस लेयर को लेने के बाद दोस्तों क्या करना होगा, जो हमने ग्रेडियंट लेयर रखा है इसको सबसे नीचे ले जाना, सबसे नीचे का मतलब है बिल्कुल नीचे नहीं ले जाना है, जो आपका बिल्कुल बैकग्राउंड है उसके ऊपर रखना है, बाकी सबके नीचे रखना है। तो अभी हमारा लोगो दोस्तों काफ़ी हद तक अच्छा लगने लगा है, आप अगर ऐसे बनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लोगो मिल सकता है। ये तो दोस्तों मैंने आपको सिर्फ एक समझाने के लिए बनाया, अगर आपकी क्रिएटिविटी और अच्छी है तो आप बहुत ही कूल लोगो बना सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों मेरा लोगो बहुत ही ठीक ही लग रहा है लगभग, है ना। तो अभी हमें दोस्तों इस पर थोड़ी सी कमी लग रही है, तो एक काम करते हैं, एक टॉप लेयर लेते हैं, फोटो लेयर, और कुछ इस पर स्पार्कल वगैरह ऐड करते हैं, ठीक है,
तो स्पार्कल्स मेरे पास पड़े हुए हैं कि नहीं देख लेता हूँ। डाउनलोड 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 डाउनलोड। हाँ तो मेरे पास थोड़े पार्टिकल्स पड़े हुए हैं स्पार्क के करते हुए, तो हमें इस पे ऐसे लेना है, लेने के बाद सेट कर लेना है अपने हिसाब से और ओके कर देना है। ध्यान दें दोस्तों, हमने इसे टॉप लेयर पर लिया है। अब दोस्तों में क्या करना होगा, ये पूरा ब्लैक आ रहा है तो इसको हमें स्क्रीन कर देना है। ओ भाई साहब, अब ऐसा लग रहा है कि लोहे से लोहा टकराता हुआ लोगो। वाह, मतलब बिल्कुल शाइनी सा एकदम चमकदार लोगो लग रहा है, क्या कहने हैं अब। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या कर सकते हैं इस पे। तो बीच वाली लेयर पर जाते हैं क्योंकि पूरा लोगो इसी पर डिपेंड कर रहा है, तो हमें इस पर कुछ इफेक्ट लगाते हैं। तो यहाँ पर गए, थोड़ी ग्लो लगा के देखते हैं। वाह, लेकिन दोस्तों ग्लो लगा देंगे तो कुछ ज़्यादा ही ओवर लगेगा, है ना। एक बार लगा के देखते हैं, अच्छा लग रहा है वैसे, है ना। कलर थोड़ा चेंज करते हैं, कलर जो हमारे लोगो का है वही रखते हैं, इस टाइप का ब्लर। कुछ ज़्यादा ही हो गया, इंटेंसिटी थोड़ी कम कर देते हैं, है ना। थोड़ा साइनी सा लगना चाहिए लेकिन कुछ ज़्यादा लग रहा है, तो इतनी इंटेंसिटी सही है, ठीक है। अब थोड़ा हमारा लोगो जो हमारा बैकग्राउंड था वो भी, उसमें एक तलवार लिए था, एक कोई रोबो था वो तलवार लिया, तो उसकी जो तलवार का वो कट आ रहा है हमारे लोगो में, तो और भी कूल लग रहा है। तो इसी तरह का चाहें तो दोस्तों आप भी लोगो बना सकते हैं। जो हमारे पार्टिकल है दोस्तों, ये हमारे लोगो के हिसाब से सूट नहीं कर रहे हैं, तो इसके हमें चेंज करते हैं थोड़े। तो इस पार्टिकल का जो है, तो इसका कलर हम यहाँ पर चेंज करते हैं पार्टिकल्स का। मुझे थोड़ा कम अच्छा लग रहा था, ब्लू कर देते हैं क्या। वाह, ये कलर अच्छा लग रहा है, नहीं ये लोगो का कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी के लिए हाँ, पार्टिकल्स के कलर भी अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। मेरे घर के बाहर दोस्तों कचरा लेने वाली गाड़ी आई, तो वही सॉन्ग बज रहा है, आप लोग भी क्या क्या सोच रहे होंगे। चलिए छोड़िए, तो लोगो हमारा बहुत ही अच्छा बना हुआ है, 3D शाइनी सा लोगो लग रहा है। अब मैं दोस्तों इसको सेव करने के लिए यहाँ पर एक एरो का बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है और सेव प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों में क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ, प्रोसेसिंग हो जाए ज़रा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा जो लोगो है वो आ चुका है, तो हमें क्या करना होगा, जो ऊपर एक शेयर का बटन दिया हुआ है इस पर क्लिक करना है और सेव टू गैलरी, और अपने लोगो को इस तरह सेलेक्ट करना है। JPG फॉर्मेट पे हमें सेव करना है क्योंकि बैकग्राउंड इस पर है, अगर नहीं होता तो हम PNG फॉर्मेट पे सेट करते हैं। तो हमें JPG पर सेट किया है और ओके कर देना है। ओके 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 ओके, ठीक है। तो हमारा लोगो जो बन चुका है, मैं आपको अपना लोगो दिखा देता हूँ गैलरी पर। ओके, पासवर्ड लगा रखा है। ये देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा लोगो, बहुत ही शाइनी सा कूल सा लोगो लग रहा है। अभी दोस्तों इतना क्लियर नहीं आया हुआ है, क्योंकि अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा आएगा, आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से बना सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों लेकिन काफ़ी हद तक ठीक लग रहा है। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो और ये ट्यूटोरियल ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर हमारे चैनल पर न्यू आए तो इस तरह की अपडेट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मानता हूँ दोस्तों हमारा वीडियो थोड़ा लेट आया हुआ है, लेकिन दोस्तों कुछ अच्छा कंटेंट बनाने के लिए थोड़ा टाइम लेना पड़ता है। तो मैं अभी थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा था पीएस टच पर, और काफ़ी हद तक मैंने कुछ चीज़ें बनाई भी हैं। मेरा एक दूसरा चैनल है वुल्फ स्टाइल गेमिंग, उसको मैंने अपने चैनल पर ही ऐड कर रखा है, उसका लोगो भी है, मैंने इसी से बनाया, उसकी चैनल आर्ट भी मैंने इसी से बनाई है। तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, मैं वहाँ पर पबजी नहीं, फ्री फायर नहीं, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की स्ट्रीमिंग करता हूँ। हाँ अभी स्ट्रीमिंग नहीं कह सकते, मैं वहाँ पर वीडियो गेम प्ले प्ले करके रिकॉर्ड करके उसे अपलोड करता हूँ, दिन में एक या दो, या फिर दो दिन में एक या दो, तो काफ़ी हद तक गेम प्ले अच्छा रहता है। और भी मैं फ़िलहाल अपने मोबाइल से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इतना अच्छा ग्राफिक नहीं है, लेकिन हाँ गेम प्ले बहुत ही ज़बरदस्त होता है। कुछ दिनों के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला हूँ, तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे भी और वुल्फ स्टाइल गेमिंग को भी, क्योंकि अगर आपको COD मोबाइल खेलना पसंद है तो ज़रूर से उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।